अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। और तमाम चीजों बारे जानकारी देके आए कि किस तरह पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और ये सीधा सीधा सिद्धू मूसेवाला साहब की जान बचाई जा सकती सी जे पंजाब सरकार यानी कि भगवंत मान ते पंजाब दे डीजीपी सजीदगी विखाउंदे। जिस तरह जिस व्यक्ति नू इंटेलिजेंसी ब्यूरो ने और रॉन दी रिपोर्ट दे मुताबक एक बहुत वड्डा खतरा दस्या गया सी उहदी जान नू, और उस तो बाद तुसी अज भी अखबारां च पढ़िया होना है कि एक शाहरुख नाम दा व्यक्ति जिहड़ा एक महीना पहला पुलिस ने फड़िया और जिन्हें यह गल कही कि मैं सिद्धू मूसे वाले नू रेकी करन गया सी मारन वास्ते, लेकिन उहदे कोले हथियारबंद व्यक्ति जिहड़े सिक्योरिटी गार्ड सीगे उन्हां नू देख के फिर मैं इस घटना नू अंजाम नहीं पहुँचा सकिया ते मैं वापस आ गया। फिर दिल्ली पुलिस ने भी इन्हां नू लिखिया, लेकिन इस दे बावजूद भी सिक्योरिटी वधाउण दी बजाए जिहड़ी कि साडी सरकार ने 10 व्यक्ति ते एक जिप्सी उन्हां नू दित्ती सी उन्हां दी सिक्योरिटी विदड्रॉ कर ली गई। और सब तो माड़ी गल की होई ये कल सानू होम मिनिस्टर साहब साबका ने दस्या सुखजिंदर जी ने कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट होंदा है, अगर किसी की सिक्योरिटी जिनू थ्रेट हैगा और सिक्योरिटी घटा भी रहे हो तुसी और केड़े मापदंड तुसी ले, लेकिन वो जनतक नहीं कर सकते फोकी शौहरत दे वास्ते कि असी फेसबुक ते भगवंत मान जी ने लिखा कि असी मूसेवाला दी ते डेरा ब्यास दी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। और ठीक दूजे दिन इस दुर्घटना नू जेड़ा है ये तुसी देखिया जो होया, सो कहन दा भाव अज जेड़ा असी मिलके आए हां ये बहुत वड्डी अनहोनी है जेड़ा मैं समझदा हर व्यक्ति अज डर रहा है। और अज भी दिन दिहाड़े एक बस नू लुट लिया गया, ड्राइवर ते कंडक्टर दे कान नाल पिस्टल ला के, ये हालात ने लॉ एंड ऑर्डर दे। और असी ये मंग करके आए हैं कि एक तो NIA दी इनक्वायरी होनी चाहिदी है, जेड़े ऑफिसरां ने कोताही कीती और बिना फाइलां चेक किते सिक्योरिटी वापस ली उन्हां ते FIR दर्ज होनी चाहिदी है। ईवन भगवंत मान जी ने ये सारी जेड़ी घटना बींगे होम मिनिस्टर जेड़ी आपदे फेसबुक ते पाई कि जेड़ा गुनाह कीता जेड़ा नहीं पाउणा चाहीदा सी दसना जेड़ा ये सीक्रेसी लीक कीती उरी बंदी कार्रवाई, बेशक वो मुख्यमंत्री है, बेशक वो होम मिनिस्टर है, बेशक वो नीचे कोई भी व्यक्ति है, उन्हां ते होनी चाहीदी है। इस मुतलक असी अज ये डेलीगेशन लैके ये मंग करके आए हैं कि उन्हां ऑफिसर साहबना ते बंदी कार्रवाई सरकार ते होनी चाहीदी है जिन्हां दी वजह दे करके एक प्यारा साथी साडे तो चला गया। यू वॉन्ट टू से समथिंग पहले बाजवा सर। जो राजा जी ने तो साडे सारे डेलीगेशन ने गल की उहदे विच असीं एक स्पेशल ये भी एस्पेक्ट लिया है कि सिक्योरिटी अप्रेजल उनते ही सारे सिक्योरिटी दी जाती है, अप्रेजल तो बिना किसी की सिक्योरिटी वापस ले नहीं जा सकती। असी यह भी गल कही है कि थोड़ा जहा स्टडी करो कि केजरीवाल साहब जिहड़े दे आका ने भगवंत मान जी दे इन्हां नू किस कैपैसिटी इतों 90 बंदे दिते गए या 82 बंदे दिते। राघव चड्ढा जी जिसा बाकी दे सारयां दी कैटेगरी एक बनाओ, राज्यसभा दे बाकियां नू 2-2 3-3 दिते, इन्हां नू 50-55-60 एक घर दे उत्ते 5 स्टैंड गार्ड्स इन्हां नू स्टैंडिंग गार्ड्स दिते गए ने, इन्हां दे परिवार दे मैंबरां नू दिते गए ने जी। इहदी अप्रेजल भी होनी चाहीदी, नाल असीं इह भी नोटिस लै के आंदा कि वेखो किसी भी मेजर इंसीडेंट तो पहले पंजाब पुलिस ने किसी नूं वार्न तक नहीं किया, तो इंसीडेंट होया नहीं तो अद्धे घंटे च इन्हां नूं पता लग जाता बंदा अमरीका च बैठा है जी।
अमेरिका दे विच पोला ड्रग केस वाले बंदे वो भी सारे अमरीका कैनेडा च बैठे ने कि मौजूदा सरकार दसे असी कोई एफर्ट किया उन्होंने एक्सट्राडाइट करवाण दा कि भगवंत मान जी ने कभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नाल कभी हाई कमिश्नर ऑफ कैनेडा नाल या इंटरपोल दे नाल कभी इन्हें कनैक्ट किया कि वह बंदे बाहर बैठे ने। इस तो पहले कबड्डी का एक नामी प्लेयर नकोदर दे कोल मारिया गया वह भी जिम्मेवारी कैनेडा चो किसी ने ली या अमेरिका चो ली गई होने वाला इंसीडेंट भी उस तरह होया जिम्मेवारी कह दी इन्हों वापस लिया जो इंसीडेंट होता अद्धे घंटे के जिनी फुरती विखाते ने इन्हें पहले कभी क्यों नहीं विखाई थी। सो ये सारिया चीज़ा असी गल कही है कि टैक्निकल नो हॉ कली एन आई ए कल बहरों बहरों एक्सट्राडाइट कराने जोड़े मुलजिम ने वह भी एन आई ए को पावरस ने पंजाब पुलिस को कोई नहीं क्योंकि इंटरपोल के नाल कनैक्ट करने वास्ते दे हैव एक एजेंसी एयर मार्क्ड दैट्स द सीबीआई एन आई ए को बैटर जो जे वैपन इतने चले AN-94 जी मेरे ख्याल साड़ी पैरा मिलिट्री फोर्सिस को भी है नहीं इतने ये सारिया चीज़ा सामने लिया की लड़ है तो असी यदि संजीदगी वेखते हो तुम सवाल किया हाई कोर्ट जान का हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट भी जावे पहले सानू पूर्ण आस है कि गवर्नर साहब ये साड़ी गल इस डिमांड नू क्योंकि असी ये भी गल कही असी टैररिज्म वेखे टैररिज्म भी ऐ ही स्टार्ट होया छोटिया छोटिया चीज़ा नज़रअंदाज हुई तो मेजर चीज़ा हुई ने काइंडली पंजाब वाल ध्यान करो हर रोज़ इंसीडेंट हो रहे हैं क्योंकि ये नाकाबल ने इनएक्सपीरियंस ने नॉन सीरियस ने असी कंडेम करने आज भी कि भगवंत मान की अपनी फटर्निटी तो मूसा वाला साहब से अजे तक अफसोस करन तक नहीं कोई इन्हों का कल दो मंत्री आके राज्यसभा वाले कागज़ भरान चले गए लाल पीले कपड़े पाए वाले उत्थे जाण दी किसे ने कभी जिम्मेवारी नहीं समझती। सो ये इनसेंसिटिव है ने लोग इन्हों तो सानू कोई एक्सपैक्टेशन ना सानू ना पंजाब के लोगों को हर आदमी की जिंदगी हर आदमी की प्रॉपर्टी अज कोई महफूज नहीं तो यही साड़ी गुजारिश सी कि अज कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज़ द पर्सन हू कैन लुक आफ्टर दिस एन आई ए की असी मंगी है बाकी चीज़ा भी और बहुत सारिया ने जिहड़ियां असी जिहड़ी तुसीं हाई कोर्ट की गल कह रहे हो हाई कोर्ट असी चीफ जस्टिस साहब नूं लिखिया पहला तो सरकार तैयार नहीं सी इस गल ते जदों ये दबाव पाया गया माँ बाप वालों तो साढ़े वालों कि सिटिंग हाई कोर्ट जज के अंडर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए है फिर उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ कहें असी कर दें असं आख्या असी प्रेस रिलीज़ नहीं चाहते सानू डॉक्यूमेंट चाहिए फिर उन्होंने दबाव पाने के बाद एक चिट्ठी लिखी है होम सैकटरी ने टू मिस्टर बेरी रजिस्ट्रार के टाइम अभी आज है ये अंडर सिटिंग जज इनकुआरी होनी चाहिए असी आपदे वालों बतौर कांग्रेस पार्टी का प्रधान होने के नाते असी भी एक रिप्रजेंटेन भेजी है मिस्टर बेरी फॉर अपॉइंटमेंट फ्रॉम चीफ जस्टिस असी भी ये चाहते कि असी जाके रिक्वेस्ट करिए कि जो तमाम मैटर है वो मंग की गई सी कि सिटिंग जज के अंडर इन्वेस्टिगेशन हो और असिस्टेंट नाल जी एन आई ए की होनी जरूरी है। सो ये साड़ी मंग सी थोड़े सवाल का जवाब उम्मीद कर सकते हो कल एक एडा वड्डा हादसा होया इसके बावजूद अज बस लुट ली गई है दो महीने की सरकार दे विच 40 व्यक्तियों के मर्डर हो गए ने चाहे वह कबड्डी प्लेयर सी चाहे कितने कल दो औरतों दी लाशा मिलिया तीन औरतों दी लाशा मिलिया। सो मैनू लगता कि कोई संजीदगी है ही नहीं है और बिल्कुल जिवें बाजवा साहब ने कहा कि मैनू लगता कि भगवंत मान जी बिल्कुल उन्होंने कोई पता नहीं किदां सरकार चलानी है सरकार नू दिल्ली चला रही है दिल्ली के वो अनएक्सपीरियंस लोग जिन्हों केवल चा सीगा कि पुलिस साढ़े अंडर हो लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं अंदाजा कि बॉर्डर स्टेट है इनू किदां संभालना है इन्हें संताप हो गया वे है अनएक्सपीरियंस लोग अज उस गद्दी ते बैठ गए हैं जिन जो पंजाब नू जलदा वेख रहे हैं अग लगी पई है पंजाब बीजेपी कह रही है कि जिहड़ा राष्ट्रपति राज लगना चाहिए थोड़ा की स्टैंड है कांग्रेस दा असी
स्टैंड की गल अगर इस तरह घटना इदा ही निरंतर जारी रही तो बिल्कुल एक सरकार नू बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं एक गल ऐड करनी सी, एक मिनट मैं गल ऐड देखो जे संजीदगी लैके आनी तो पंजाब दे लोकां नू फेर दवाना है कि असी सीरियस हाँ तुहाडे परिवारां नू तुहाडी जायदाद नू सेफगार्ड करन वास्ते। मैं बेनती करूँ सब भगवंत सिंह मान कि अपना परिवार घट तो घट कैनेडा तो या अमेरिका तो इत्थे मंगवाओ, वह भी इत्थे रहे तुहानू भी फिक्र रहे कि मापिया के बच्चे जिहड़े फिरदे ने तुहानू भी फिक्र रहे, तो इस गल कारण इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट मैटर जिहड़ी मैं तुहानू गल कह रहा। अपने बच्चे बाहर ने, बाकियों वाल अपना ध्यान कोई नहीं, जिन्हें इतों के नामी बंदे ने सारे आज इस इंसीडेंट तो बाद बहुत सारे चंगे लोग जड़े सोचन लग पे ने, ये तो कहते मैं गोरे इतने लैके आने, मैं कहना अपने ही रह जाने, ये बड़ी बड़ी गल। इसे गल कर अपने बच्चे लियाओगे तो तुम इस गल की इंश्योरेंस दोगे कि मैं पंजाब नूं सेफगार्ड करा क्योंकि मैं अपने बच्चे इतने ले आंदे। जदों तुहाडे बच्चे बाहर ने तुसीं किस तरह लोगों इस गल का फेर दे सकते हो? सिक्योरिटी की है लोगों, शो सिक्योरिटी, शो सिंसैरिटी। नॉट ओनली सिंगर्स यार, अदर पीपल देयर आर सो मेनी अदर पीपल। गलुगरा डे है जो हालात बन गए, 6 जून गलुगरा डे है, लेकिन यार एक बंदा सवाल कर लो, 6 जून गलुगरा डे हैगा लेकिन मुख्यमंत्री कह रहा कि नहीं वापस ले ले गए है, ये जलील किया जा रहा जान बुझ के। हालांकि परिवार के मैंबर को 25-25 और 45-45 लोग ने, सो ये जलील किया जा रहा। एवी सिंह साहब न जलील जो करे तो ये कहे कि मैं तेरी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। देखो मेरी यह राय सी, एक मिनट छोटे भी, 820 बंदे ने कले भगवंत सिंह मान को आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर ये 410 हटाले होंगे कि विड्रॉ करने की लोड़ ही नहीं। मैं अपने वालों छोटे भीर एक राय दी भावे ना मन, मैं तो कहना 1640 कर लू, मैं तो एक राय दी है जे तुहानू नहीं पसंद आई तो रहन दो। नहीं नहीं डबल एक सेकंड, पहला सवाल पूरा हो तुसी ये गल की है कि जेड़े अफसर झड़के भी करके उसके बाद सामना कदर होया वो की कितना की सरकार ते उन्होंने अफसर दे पाके दा पूरा कर दिया जदों ओपोजिशन च होंदे आ यही गल्ला आप वाले भी कहंदे रहे तो वर्तमान नु या होर उन्होंने विरोधी के लीडर अकाली दल भी कहंदे अज ये गल्ला तुसी कहंदे जदों तुहाडी सरकार दे दौरान जरूरी नहीं है कि जिस चीज की तह च ना जाए जावे जा पता ना हो सवाल कर दे। मेरी बेनती है, मेरी बेनती है, मैं दोबारे कह रहे हैं क्यों परचा दर्ज होना चाहिए? वो इस करके होना चाहिए कि जो आईबी ते रॉ ये गल लिख रही है जिस व्यक्ति दी जान नू खतरा है, फिर एक महीना पहले डेली क्राइम ब्रांच थानू लिख रही है कि उरी जान नू खतरा है, फिर तुसी उरी सिक्योरिटी विड्रॉ कीती है। और जो बाजवा साहब ने गल कही है सिक्योरिटी जिन्नी मर्जी रखन सानू कोई इतराज नहीं, भगवंत मान जी नू मर्जी सिक्योरिटी देन, लेकिन जिन्हें लोगों की जान को खतरा है उन्होंने तो सिक्योरिटी वापस लैके गैंगस्टर ना दसन कि मैं ले ली आके मार दियो। एक कानूनन तौर पर यह सीक्रेट डाकूमेंट होंगे, नहीं दसना चाहिए केवल मीडिया के और आदि वाहवा के पिछे। एक पंजाब का मुख्यमंत्री ये गल लिखे कि मैं सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी वापस ले ली है, कौन गुनहगार है? इस बंदे की जान को खतरा है और सिक्योरिटी वापस लेके छाती ए मार के दसया जा रहा कि मैं सिक्योरिटी वापस ले लिया, तो दो दिन बाद हादसा हो जाता है। वो जिहड़े सिक्योरिटी ऑफिसर सी जिन्होंने नलायकी दिखाई, जिन्होंने
मुख्यमंत्री नूं कहना चाहिदा सी आ रिपोर्ट्स है इहदी जान नूं खतरा है। डीजीपी कह रहे कि उहदे कोल बुलेट प्रूफ कार है जिवें बुलेट प्रूफ इन्हां ने दित्ती होवे। जिहड़ा वैपन चलिया AK-94 वह बुलेट प्रूफ नूं भी क्रॉस कर जांदा है। पर फिर कह दिता गया हस के की संजीदगी सी सरकार दी। डीजीपी ते उहदे साथी हस के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सी, फिर उन्होंने कल माफ़ी मंगी, दोबारा आपका बयान बदलिया। जिम्मेवारी फिक्स की होएगी, कौन गुनेगार कबूल करेगा? डीजी करेगा, मुख्यमंत्री के इदा ही मरते रहेंगे लोग। जे साड़ी सरकार च भी हाँ मर्डर हो गया, लेकिन वो इन कारण करके हो गया। अज भी मैं ये गल कहना कि अगर संजीदगी सरकार ते पंजाब पुलिस विखाती, सिद्धू मूसेवाला अज ज्यौदा होंदा। जे अज उहदे नाल 5-10 बॉडीगार्ड्स होंदे तां सिद्धू मूसेवाले नूं शायद जान तो हाथ धोने नहीं पैने। A South Asian Canadian channel.